स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलस आर्टेरियोसिस। सो सर्कुलस आर्टेरियोसिस या फिर सर्कल ऑफ विलिस क्या है? ये एक आर्टरीज का ऐसा अरेंजमेंट है कि ये एक सर्कल बनाती हैं। सो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक सर्कल। सो ये आर्टरीज का ऐसा अरेंजमेंट है कि ये सर्कल बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। सो विलिस नेम इसमें इसलिए है क्योंकि जो थॉमस विल्स था उसने इसको डिस्कवर किया था। सो सर्कल ऑफ विल्स एक ऐसा अरेंजमेंट है आर्टरीज का कि ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है एंड ब्रेन को ग्रेटर अमाउंट में ब्लड सप्लाई सर्कल ऑफ विल्स के ही द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सो जो सर्कल ऑफ विल्स है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है आर्टरीज का कि अगर एक पार्ट आर्टरी का कहीं से ब्लॉक भी हो जाए तो जो दूसरा पार्ट है आर्टरी का या फिर जो दूसरी आर्टरी है, दूसरी ब्रांच है, वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करे एंड ब्रेन में कहीं भी जो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सप्लाई कम ना हो या फिर इस्चीमिया ना हो। सो सर्कल ऑफ विल्स क्या करता है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है इन केस अगर कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। सो दूसरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई ब्रेन को प्रोवाइड होती रहती है, इससे कोई भी इस्चीमिक कंडीशन ब्रेन में डेवलप नहीं होती। सो इसलिए इसको एनास्ट्रोमोसिस भी बोलते हैं या फिर कोलेटरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। सो सर्कुलस आर्टेरियोसिस क्या है, ग्रेटर पार्ट ऑफ ब्रेन इज सप्लाइड विद आर्टेरियल ब्लड बाय एन अरेंजमेंट ऑफ आर्टरीज एंड ये अरेंजमेंट कैसे है कि एक सर्कल बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्कुलस आर्टेरियोसिस। नाउ फोर लार्ज आर्टरीज कंट्रीब्यूट टू इट्स फॉर्मेशन। सो सर्कुलस आर्टेरियोसिस में हम आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। सो फोर लार्ज आर्टरीज इस अरेंजमेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो फोर लार्ज आर्टरी कौन सी है, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। सो टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कौन सी है, ये वाली। सो दीज आर टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड टू वर्टिब्रल आर्टरीज। सो टू वर्टिब्रल आर्टरीज कौन सी है, ये वाली। सो दीज आर टू वर्टिब्रल आर्टरीज। सो टू वर्टिब्रल आर्टरीज एंड टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज से ही जो ब्रांचेस निकलती हैं वो आगे सर्कुलस आर्टेरियोसिस या फिर सर्कल ऑफ विल्स बनाती हैं। सो सबसे पहले हमारी जो ब्रेन है उसमें थ्री आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। सो ये ब्रेन का एंटीरियर पार्ट है एंड ये ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है। सो एंटीरियर में टू सेरिब्रल आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, टू एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। सो ये वाली जो आर्टरीज हैं ये क्या है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। सो जो राइट साइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है उसको कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सो एंटीरियर साइड जो प्रेजेंट है उसको बोलती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देन पोस्टीरियर साइड, ये है पोस्टीरियर साइड, तो पोस्टीरियर साइड भी ऐसे ही दो सेरिब्रल आर्टरीज प्रेजेंट है, इनको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। सो ये राइट साइड की पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है एंड ये लेफ्ट साइड की। नाउ मिडल में भी सेरिब्रल आर्टरी प्रेजेंट होती है। सो ये वाली जो है ये है मिडल। सो ये मिडल या फिर मीडियल सेरिब्रल आर्टरी। सो रिमेंबर एंटीरियर साइड जो सेरिब्रल आर्टरी प्रेजेंट है उसको कहते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो मिडल में प्रेजेंट है उसको कहते हैं मीडियल सेरिब्रल आर्टरी एंड जो पोस्टीरियर में प्रेजेंट है उसको कहते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये दो दो होती हैं क्योंकि राइट साइड एक होती है एंड लेफ्ट साइड एक होती है। सो जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो सर्कल ऑफ विल्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो एक साइड आर्टरी है, जबकि जो राइट जो कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है एंड जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है ये एक सर्कल बनाती हैं। सो अब हम क्या पढ़ रहे थे कि टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड टू वर्टिब्रल आर्टरी से ये ब्रांचेस निकलती हैं जो कि सर्कल ऑफ विल्स बनाती हैं। सो सबसे पहले हम पोस्टीरियर साइड की बात करेंगे कि जो पोस्टीरियर पोर्शन है ब्रेन का उसको कौन ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले वर्टिब्रल आर्टरीज। सो वर्टिब्रल आर्टरीज
जो कि मैंने बताया टू होती है। सो ये वर्टिब्रल आर्टरीज ब्रेन में कैसे एंटर होती है, ब्रेन में फोरामेन मैग्नम होता है, स्कल में फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है, वो एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंटिन्यूस रहती है स्कल के साथ। सो उस ओपनिंग फोरामेन मैग्नम से टू वर्टिब्रल आर्टरीज स्कल में एंटर होती है एंड देन वो ब्रेन में जाती है। सो टू वर्टिब्रल आर्टरी ये वाली है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, देन टू वर्टिब्रल आर्टरीज एंड ये वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, सब क्लेवियन आर्टरी की। देन राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी ज्वाइन हो जाती है, ये आगे इस पॉइंट पर क्या हो गई, ज्वाइन हो गई। सो ज्वाइन होकर ये क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी। सो ये आगे ज्वाइन होकर ये कौन सी आर्टरी बन रही है, बेसिलर आर्टरी। सो दोनों वर्टिब्रल आर्टरी यहां पर ज्वाइन हो गई एंड एक सिंगल आर्टरी बनाई जिसको क्या कहते हैं, बेसिलर आर्टरी। सो ये वाली सिंगल बेसिलर आर्टरी है। देन ये बेसिलर आर्टरी डिवाइड हो जाती है किसमें, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। सो ये बेसिलर आर्टरी देन यहां डिवाइड हो गई राइट साइड, जो राइट साइड डिवाइड हुई तो क्या बनाई, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लेफ्ट साइड डिवाइड हुई तो क्या बनाया, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सो ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है जो कि पोस्टीरियर पोर्शन है ब्रेन का, उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। सो बेसिलर आर्टरी डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, देन राइट एंड लेफ्ट, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ज्वाइन वाया राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी टू राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब ये क्या है, राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड ये क्या है हमारी, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये भी। सो ये राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू ज्वाइन होती है एंड जिसके थ्रू ये आपस में ज्वाइन है, आपस में कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सो ये क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। कम्युनिकेटिंग आर्टरी इसलिए बोला है क्योंकि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ लिंक में कैसे है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू, क्योंकि ये कम्युनिकेट करवा रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में और सेरिब्रल आर्टरी में, इसलिए इसको कम्युनिकेटिंग आर्टरी बोला है। सो जो राइट साइड, जो राइट सेरिब्रल आर्टरी को राइट कम्युनिकेट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ कनेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसी तरह से लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट सेरिब्रल, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ कनेक्टेड है, दिस इज लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो ये वाली जो है ये क्या है, लेफ्ट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। नाउ ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू जो राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू किसके साथ कनेक्टेड है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो राइट सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जाकर ज्वाइन होती है थ्रू राइट पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सिमिलरली इसी तरह से ही लेफ्ट साइड। नाउ दिस पोर्शन इज द एंटीरियर पोर्शन, जो एंटीरियर पार्ट है ब्रेन का यानी कि जो आगे वाला पार्ट है उसको कैसी अब ब्लड सप्लाई प्रोवाइड होगी। सो ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, सो दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इनसे क्या निकलेगी, राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सो जो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उससे क्या निकली है, ये वाली राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड जो लेफ्ट साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उससे क्या निकली है, लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देन दोनों जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है राइट एंड लेफ्ट आपस में किससे कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से, एक सिंगल एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड ये क्या होती है, सिंगल होती है। पोस्टीरियर साइड टू कम्युनिकेटिंग आर्टरीज है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, लेकिन एंटीरियर साइड जस्ट वन
कम्युनिकेटिंग आर्टरी है जो राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को किसके साथ कनेक्ट करी है, लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ। सो इस तरह से है, राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अराइज फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। किससे अराइज हुई है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, जॉइंट बाय एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंड दोनों आपस में किससे जॉइंट हो रही है, किससे कनेक्टेड हो रही है, वन सिंगल एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। सो अब देख लेते हैं कि ये जो सारी आर्टरीज हैं वो सेंटर में क्या बना रही है, एक सर्कल। सो दिस इज वन सर्कल, इसलिए इसको बोला है सर्कल ऑफ विल्स, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज कहीं ब्लॉकेज हो गई है तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं रुकेगी, क्योंकि ब्लड सप्लाई इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। सो इसलिए इस्टेमिक सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कल ऑफ विल्स। नाउ अब कितनी आर्टरीज हुई टोटल, टू वर्टिब्रल आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। देन दोनों ज्वाइन किस में हुई, बेसिलर आर्टरी में। बेसिलर आर्टरी डिवाइड हुई राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। सो इट मीन्स पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज भी टू हैं एंड वर्टिब्रल आर्टरीज भी टू हैं, बेसिलर आर्टरी वन है। देन जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो किसके साथ कनेक्टेड है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के साथ। किसके साथ, और इनको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज। सो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज भी टू हैं, एक राइट साइड एंड एक लेफ्ट साइड, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज के साथ कनेक्ट कर रही है किसको, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को। नाउ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी कितनी है, टू, राइट साइड राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट साइड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो यहां तक क्या होता है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। सो ये वाली आर्टरीज क्या प्रोवाइड करती है, पोस्टीरियर पार्ट जो है ब्रेन का उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। एंड जो बेसिलर आर्टरीज से जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये ब्रेन स्टेम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। नाउ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से टू एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी अराइज होती हैं। सो टू एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कौन सी है, राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सो इससे ये ब्रांचेस निकल रही हैं फर्दर, राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। नाउ राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपस में किससे कनेक्टेड है, इस आर्टरी से। इस आर्टरी का क्या नाम है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंड ये एक सिंगल कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। नाउ ये है सर्कल ऑफ विल्स। एक साइड से जो मीडियल सेरिब्रल आर्टरी निकलती है वो सर्कल ऑफ विल्स में नहीं कंसिडर होती, क्योंकि वो साइड पोर्शन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है एंड वो सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है इसलिए। फॉर डिटेल्ड वीडियोज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।